यू तो हरिद्वार को धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है और ये कहा जाता है कि देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु हरिद्वार आकर माँ गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। लेकिन अब यह कहना गलत नहीं होगा कि अन्य जनपदों से आकर लोग हरिद्वार में पाप कर रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वीडियो में देख कर साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सिडकुल थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियाँ बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि यूं तो सिडकुल में सैकड़ों कंपनियां हैं और इन कंपनियों में हजारों की संख्या में युवक युवती काम करके हरिद्वार में जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं अब सिडकुल की सड़कों पर आपको कुछ ऐसी महिलाएं भी मिल जाएंगी जो जिस्म फिरोसी का धंधा करती हैं। साथ ही महिलाएं आपको पूरी सुरक्षा देने का दावा भी करती हैं। स्थानीय समाज सेवी भूपेंद्र सैनी का कहना है कि इन महिलाओं के ऊपर कई बार लिखित व मौखिक रूप से शिकायत की गई है, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कार्रवाई के नाम पर इन महिलाओं को एक बार पहले गिरफ्तार किया गया है। सिडकुल थाना क्षेत्र के दोनों चौक पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है, इसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये जो सिडकुल थाना क्षेत्र में के अंदर ये जो सिडकुल है अपना, यहाँ पे बड़ी संख्या में रोज़गार के लिए बाहर से युवक युवती आ रखी है। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि पिछले लंबे समय से पेट्रोल पंप के पास में और ये इधर जो होटल जैस्मिन है साइड में भी रोड पे कई लेडीजें बैठी रहती हैं और वो ग्राहकों का इंतजार करते हैं जो ऐसे वर्दियाँ काम करती हैं। बार बार सिडकुल प्रशासन को आर एम साहब को भी हमने लिखित में भी और मौखिक भी शिकायत की और थाना में भी की है कि इनसे क्या है कि बहुत सी बार इनके खड़े होने से जो गांव के औरतें हैं या फिर जो काम करने वाली लेडीज हैं उनके साथ भी राहगीर छेड़खानी करते हैं। उसी वो वैश्यावर्ती की समझ के उनके साथ भी बहुत सी बार छेड़खानी हो जाती है। तो बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है, उससे खुलेआम यहाँ पर धंधा लगातार चल रहा है। तार इसके जहाँ पर ये है, इसके जो जरा राजा बिस्कुट चेक पोस्ट कुछ ही कदमों की दूरी पर है जिस पर लगातार पुलिस भी रहती है, पर फिर भी सब आँख बंद करके किसी को कोई दिखाई नहीं दे रहा, जबकि पता सबको है कि ये क्या धंधा कर रहे हैं यहाँ पे। फिर भी बार बार शिकायत करते हैं, सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कार्रवाई के नाम पे। इसके पुलिस की मिली भगत के बारे में तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि एक बार मैं खुद ही जब शिकायत की थी तो उनके खिलाफ़ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। उस समय ये कई समय तक लंबे समय तक यहाँ तक गायब भी रही, अब दोबारा फिर ये आगे यहाँ पे करने लगे। जब तक इनके खिलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई नहीं